अस्सलामुअलैकुम जी, क्या हाल चाल है जी। अच्छा जी, आज आपको अपने घर का विजिट करवाते हैं। घर में भाई हर जगह पौधे ही पौधे लगे हुए हैं, घर के आगे पीछे ऊपर नीचे। अभी आपको विजिट करवाते हैं। ये फ्रंट साइड है और इस साइड पे भी पौधे लगे हुए हैं, यहाँ से दूसरी साइड पे भी पौधे लगे हुए हैं। तो ये देखें फ्रंट में, आगे वो मोटू भाई खड़े हुए हैं, वो भी आपको दिखाएंगे सारा कुछ। देखें शुरू में फूल वगैरह, अनार, हर किस्म का मतलब के पौधा लगा हुआ। आपको समझ नहीं आनी कौन कौन सी किस्म का लगा हुआ है। तो इसके साथ घर के प्लाट के साथ ये देखें सब्जियों वाला जो है वो गार्डन बनाया हुआ है, पूरी याशी वाला मॉल। अभी ये ऊपर देखें, ऊपर लगे हुए हैं सारी वो लौकी की वाल लगी हुई है, जिसको वाल तोड़ी कहते हैं ना पंजाबी में ही है वो, तो वो चीज़ है। ऊपर सारी वो वलें लगी हुई हैं, नीचे भी ये है। ये देखें ये भिंडी लगी हुई है, ये मोटू भाई तोड़ है भिंडी, काफ़ी बड़ी बड़ी लगी हुई है इसके नीचे। ऊपर ये देखें तोड़ी हुई लगी हुई है लौकी, जिसको कहते हैं ना वो चीज़। और नीचे सारी भिंडियों की प्लांटिंग की हुई है। ये देखें ये काफ़ी बड़ी बड़ी हो गई हैं, उतारी नहीं है मोटू भाई ने। तो अभी बाहर ही नहीं भाई, घर के अंदर भी, ऊपर भी, छत पे भी, वो भी अभी आपको दिखाते हैं, सारी वीडियो मुकम्मल देखिएगा। तो ये ऊपर भी सारी लौकी लगी हुई है, यानी मोटू भाई हाय हाय कर रहे हैं। तो अभी आपको विज़िट करवाते हैं घर के अंदर भी, मतलब के जो इसके अंदर वाला माहौल है ना वो भी। मोटू भाई उतारने की कोशिश में है, वो इतना हाइट पे लगी हुई है, यहाँ पे सीढ़ी रख के लगाते उतारते हैं इसको। तो अभी आपको दिखाते हैं अंदर वाली साइड इसकी। तो ये भी काम हो रहा है ऊपर अपना फ्रंट का ना मोल्डिंग का, तो ये उनका सामान पड़ा हुआ है। वो फ्रंट आपको बाद में जब तैयार होगा ना तब दिखाएंगे। अभी चलते हैं जी घर के अंदर दूसरी वाली साइड पे। वो घर है तो इस साइड पे ये पांच मरले का दूसरा प्लाट है, बाहर भी पौधे। अभी अंदर से आपको दिखाते हैं, ये देखें जी माशाल्लाह जी पौधे ही पौधे लगा दिए हैं यहाँ पे, पूरा गार्डन बना दिया। मुझे वो सीन हो गया, दिल गार्डन गार्डन हो गया। अभी ये देखिए ये साइड पर ये भी गमलों में लगे हुए हैं माशाल्लाह, पता नहीं कौन कौन सी वैरायटी लगी हुई है, समझ नहीं आती। और दूसरी साइड पे भी ये देखें, वो सामने जो है लौकी की बल्ले हैं, और बाकी ये देखें जी सिटिंग एरिया माहौल पूरा बनाया हुआ है। इस साइड पे भी ये देखें गमले रखे हुए हैं। तो अभी आपको दिखाते हैं अंदर लगा क्या क्या हुआ है। तो ये देखें जी इस साइड पे भी पौधे, दूसरी साइड पे भी पौधे। शुरू में मेरा ख्याल है ये बैंगन के लगे हुए हैं, उसके बाद मिर्चे वगैरह पता नहीं क्या क्या लगा हुआ है। सबसे पहले ये देखें जी ये बेग बैंगन छोटा सा लगा हुआ है, इसके साथ ही ये देखें जी ये मिर्चें लगी हुई हैं, जो हरी मिर्च ना ग्रीन वाली वो लगी हुई हैं, देखें छोटी छोटी। तो इसके साथ ये सारे इसी तरह पौधे लगे हुए हैं। इसके साथ ही ये देखें जी सामने वॉशरूम बना हुआ है, ऊपर केजेस बने हुए हैं। उसके साथ ये अपना वही लौकी वाली बल्ले आ गई हैं, इसके अंदर देखिए लौकी भी लगी हुई है। अभी ये देखें ये दो लगी हुई हैं, और इसके ऊपर भी लगी हुई थी काफ़ी, मतलब कि पूरा जो है वो सब्जियों वाला माहौल भी घर बना लिया, बाहर से कोई चीज़ लानी नहीं है आपने। अभी इस साइड पे भी हाँ ये देखें ये लगी हुई है। और ये है जी सामने पपीते का, उसके साथ केले का, उसके साथ मैंगो का, और उसके साथ और भी काफ़ी लगे हुए हैं। और सबसे जो भाई VIP मॉल बना है ये देखें, ये सिटिंग एरिया बनाया हुआ है। ये हमने वैसे तो सोच के ये बनाया था जो विजिटर्स हमारे पास विजिट करेंगे ना मशीनों के लिए, तो ये उनके लिए उठने बैठने की जो जगह आती है ना वो जो बनाई है, वाशरूम के साथ ये वो।
तो आगे पूरा जो है वो माहौल बन जाए। ये देखें जी वाशरूम मंदिर से पूरी खाते हैं, ये देखें पूरी टाइल वगैरह लगा के ऊपर सीलिंग भी हुई है, साथ में एक केजिस। ये देखें ये मुर्गे भी दो रखे हुए हैं मोटू की तरह मोटे मोटे। ये चीज़ ये भाई पूरा माहौल बनाया हुआ है हमने यहाँ पे। अभी आपको छत पे भी लेके जाएंगे, छत में भी पौधे आज छत पे भी पौधे लगे हुए हैं और पौधों पे कुछ ना कुछ लगा हुआ है। अभी ये है जी पपीते का सेम वही, आप देखते जाएं जी पौधे ही पौधे लगे हुए। ये भी पपीते का, इसके साथ ये पता नहीं कौन सा है, ये फूल का है, ये मैंगो का है, ये फिर फूल रोज जिसको कहते हैं। तो ये इसी तरह लाइन वाइज सारे लगे हुए। ये जी दोनों तरफ और नीचे टाइल लगाई है, ये देखते नहीं आप। तो अभी आपको छत का विजिट करवाते हैं भाई, छत पे भी पौधे लगा दिए। ये अपना गैराज की सीलिंग है, अभी ऊपर चलते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में फिर कभी आपको पूरा घर अंदर से विजिट करवाएंगे, जो दूसरा फ्लोर है ना नीचे, ये वाला फ्लोर नीचे से। अभी पहले भाई आप अपना मेरा कमरा देख लें जी, ये है जी अपना रूम, ये उसकी VIP कलरफुल सीलिंग और दो बड़ी बड़ी विंडोज़, वाह जी वाह। इसके साथ LCD वाला माहौल और ये साथ आ गई अलमारी इतनी बड़ी। तो ये नीचे ये वाली टाइल है अपनी, वाह जी वाह। यहाँ पे हमने अपना पूरा प्रोटोकॉल बेड शेड लगा देना है। और अभी ये देखें अभी चलते हैं जी जो छत पे पौधे लगाए हैं। ये देखें जी पपीता सबसे पहले हाजिर हो गया, उसके साथ और भी काफ़ी वैरायटीज लगी हैं। ये देखें जी ये भी लगा हुआ है कुछ ना कुछ वो सामने। तो इसके साथ ये देखें जी ये पता नहीं किस किस चीज़ के पौधे लगे हुए हैं। ये भिंडी लगी हुई है, इस पर भी भिंडी लगी हुई है, छत पर भी भिंडी लगा दी। ये ऊपर बल्ले वगैरह लगी हुई हैं और ये दूसरी तरफ भी सेम, सेंटर पे भी ये मैं केले का लगाया हुआ है। इस साइड पे ये लगाए हुए करेले, करेलों की बल्ले हैं सारी। करेले भी अभी आपको साथ लगा दिखाते हैं। ये देखें ये छोटा सा चुनु मुनु सा लगा हुआ है करेला। तो अभी इसके साथ और भी काफ़ी लगे हुए हैं। और एक और बात, यहाँ पे सेब का भी पौधा लगा हुआ है भाई, सेब का जो इस एरिया में मिलता नहीं है वो भी ऊपर लगाया हुआ। अभी ये देखिए करेले का, सेब का भी मैं अभी आपको दिखाता हूँ, ये इसका ऊपर लगा हुआ है। ये आज भाई सेब का पौधा, इसके साथ ये छोटा सा सेब लगा हुआ है देख। बाकी ये करेले ही सारे लगे हुए हैं, इसके अलावा और भी काफ़ी ये वैरायटीज लगी हुई हैं। इस साइड पे भी ये कुछ ना कुछ लगा हुआ है, ऊपर भी वॉशरूम है जी अलग। ये भिंडियाँ लगाई हुई हैं, वाह वाह, वो भी इतनी इतनी बड़ी ऊपर छत पे लग गई हैं। तो सामने स्टोर रूम है अपना और ये भी भिंडियाँ ही हैं। तो भाई ये गार्डन वाला माहौल पूरे घर में बनाया हुआ, ऊपर नीचे हर जगह। तो भाई सबसे जो मेन चीज़ है वो तो आपको दिखाई नहीं, वो है टेरेस से नीचे का व्यू। सबसे पहले ये देखिए ये भी सीलिंग काफ़ी अच्छी हुई है माशाल्लाह। तो अभी चलते हैं जी टेरेस से नीचे का व्यू। ये देखें जी ग्रीनरी ग्रीनरी हर तरफ, ग्रीन ही ग्रीन कर दिया। सुबह सुबह उठ के बंदा ये चीज़ देखे, बाइक खड़े हो गए, ये देखें जी वाह जी वाह क्या माहौल है, वाह जी वाह। और ये अपना छोटा सा मिनी गार्डन,
हर तरफ भाई गार्डन ही गार्डन कर दिए। और ये आपका भाई इंतजार। नहीं चलते हैं फिर, आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं किसी न्यू वीडियोस में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।